साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई कुवैत से रिलेटेड। कुवैत का भी बड़ा भैया पंगा चल रहा है, पता नहीं क्या सिस्टम है। कुवैत में सबसे ज़्यादा डेथ कम हुई है, हालांकि कुवैत सरकार ने एक तरह से काबू पा लिया कोरोना पे, हम ये नहीं बोलते, बहुत सारे तरीके से बढ़ रहा है, लेकिन पता नहीं क्या रीज़न है कि भाई इंडिया के लिए फ्लाइटों का समझौता नहीं हो पा रहा है। अब इंडियन सरकार क्या चाहती है, कुवैत सरकार क्या चाहती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम डिटेल से बात करेंगे भाई, फ्लाइट कोरोना टिकट फिकट टोटल जितना भी सिस्टम होगा डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखें। फेसबुक पेज वाले भाई पेज को फॉलो जरूर कर लें ताकि गल्फ कंट्री से रिलेटेड कुवैत से रिलेटेड आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले कोरोना से, क्योंकि कोरोना की जानकारी होना आप लोगों को जरूरी है। कुवैत में कोरोना के क्या अपडेट है, कोरोना का अपडेट ठीक है भाई, लगभग 1,03,000 से प्लस अभी तक केस कोरोना के पाए गए हैं। मात्र 1,03,000 प्लस केस अभी तक हैं। उनमें से डेथ की बात करें तो मात्र 600 के करीब अभी तक डेथ हुई है, 557 के करीब अभी तक डेथ हुई है। तो कुवैत में डेथ रेशियो बहुत कम है, अगर देखा जाए तो कोई ज्यादा नहीं है। रिकवरी की बात करें तो लगभग 94,000 प्लस रिकवरी अभी तक है, केस की रिकवरी अच्छी है, तो भाई कोई ज्यादा नहीं है। मुझे लगता है 8,000 मात्र केस है, मात्र 8,000 केस पूरी कुवैत में एक्टिव हैं, उनकी वजह से पूरा तामझाम बंद करके रखा कुवैत ने। तो हम उम्मीद करेंगे भाई कुवैत सरकार को भी सद्बुद्धि दे ताकि जल्द से जल्द फ्लाइटें वगैरह स्टार्ट हो जाए, ताकि जो लोग इंडिया में बैठे हैं उनका वापस से रोज़गार मिल सके, उनके जिनके वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं, अकामत एक्सपायर हो रहा है, तो उनको जल्दी से जल्दी वो जाके अपनी रोज़गार रोजी रोटी लग जाए, हम तो ये उम्मीद करेंगे। बाकी भाई सरकार के मूड पर डिपेंड करेगा कि टिकटों का वो क्या चाहती है। अभी मुझे नहीं लगता यार कुवैत सरकार की तरफ से तो कोई अपडेट ही नहीं है, कुवैत का भुला पड़ा, सऊदी अरबिया फिर भी छोटा मोटा कोई अपडेट तो आता रहता है, अभी ये हो सकता है, कुवैत का तो ये हो नहीं सकता, ऐसा भी कोई कुछ हम बोल नहीं सकते, कोई अपडेट नहीं है। हाँ पाकिस्तान पे मेहरबानी जरूर है कुवैत की, उससे रिलेटेड भी हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की मैं बता दूं कि अभी पिछली बार दुबई में भी जो कुवैत का मंत्री वगैरह मंडल हैं उनके साथ भी उनकी मीटिंग हुई है, उनके साथ उनकी अग्रीमेंट भी चल रहा है। पाकिस्तान की जो POK की जो साइड है उस पर भी ये बात लिखी गई है कि जल्द ही पाकिस्तान के 1,00,000 वर्करों को कुवैत भेजा जाएगा। जी हाँ साथियों, ये न्यूज़ निकल के आ रही है इसी के दौरान, अभी इस सितंबर 25-26 सितंबर की मैं न्यूज़ में बता रहा हूँ, 1,00,000 पाकिस्तानी लोग कुशल कारीगर बता रहा हूं मैं, लेबर की बात नहीं कर रहा हूं, कुशल कारीगर। कुशल कारीगर क्या होता है, ट्रेड जिसको बोल सकते हैं। जैसे अभी डॉक्टर्स हैं, लगभग 450 डॉक्टर्स अभी पाकिस्तान के कुवैत में जाएंगे, आपको पता ही होगा, न्यूज आपने देखा होगा। और भी जैसे और अलग अलग सेक्टर में जैसे टीचर हो गया या कोई मतलब अच्छी पोस्ट, मतलब कुशल कारीगर जिनकी वजह से कुवैत में काम रुक सकता है, ये मान लग से, ये नहीं कि लेबर में सफाई वाला, गार्डन वाला, रसोया, लेबर, ड्राइवर या गार्डनर या फिर कंस्ट्रक्शन जॉब हेल्पर, मिस्त्री, कारीगर, इनकी बात नहीं कर रहे हैं। कुशल कारीगर वो अलग होते हैं, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं इस बात को। 1,00,000 लोगों का टारगेट है, बाकायदा न्यूज़ है इसमें, 1,00,000 लोग इंडिया के जो पाकिस्तानी हैं उनको सरकार, उनके साथ समझौता अभी चल रहा है, अभी फाइनल रिपोर्ट हालांकि आई नहीं है कि वो कुवैत सरकार अगर मंजूरी देती है तो 1,00,000 पाकिस्तानी कुवैत पहुंच जाएंगे। जी हां साथियों, इसका मतलब हम मान सकते हैं कि कुवैत ने जो बैन लगाया था पाकिस्तान पे, तो वो हो सकता है आने वाले टाइम पे वो हट सकता है। इसका रीज़न मैं ये भी मान सकता हूँ कि भाई पाकिस्तान सऊदी के थोड़ा अभी दूर, उनके रिश्ते थोड़े से खराब हो रहे हैं, तो हो सकता है कुवैत उनको अपने नज़दीक लेने के चक्कर में, ऐसी राजनीति पॉलिटिक्स है, ये तो चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं। इंडिया वाले की भैया कोई फ्लाइट का अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है, सरकार की तरफ से भी कोई घोषणा नहीं हुई है। और जो ठीक है वंदे भारत 6-7 पे जो फ्लाइटें उधर से थोड़ा एक दो आ रही है वही फ्लाइटें इंडिया से, हालांकि 6-7 जो वंदे भारत है उसमें फ्लाइटों का शेड्यूल दिखा रखा है, वीडियो में मैंने बनाया भी था, आगे भी मैं बना दूंगा, लेकिन वो सिर्फ दिखाई रखा है। आप फ्लाइट बुक करोगे फ्लाइट बुक नहीं होगा, बहुत सारे लोगों के कुवैत में जॉब खत्म हो गए, वीजा एक्सपायर हो गए, उनको सरकार रिन्यू नहीं करेगी अगस्त के बाद में जिनके वीजा एक्सपायर हुए, आपको सबको पता ही है। और दूसरी बात, नए वीजा सरकार ने बिल्कुल बंद कर दिए, कुवैत सरकार ने नया वीजा नहीं देगी, अभी नया वीजा स्टॉप कर दिए हैं। अलग बात है कि 2021 में अगर कुछ न्यूज मतलब स्टार्ट कर दे तो अलग इश्यू है, बाकी अभी टोटल का टोटल क्लोज है, नया वीज़ा पुराना वीज़ा वाला को भी एक्सपायर हो गए वगैरह वगैरह, आपको पता है सब, जो आप रेगुलर वीडियो देखते हैं न्यूज़ देखते रहते हैं कुवैत से रिलेटेड। हालांकि कुवैत के लोगों के पास पता नहीं ऑफर लेटर कहां से आ जाते हैं, वो सब फेक होते हैं, लोग पैसा उठाने का काम करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कुवैत ने तो बता दूं पहले 28 कंट्रियों को बैन किया, उसके बाद 30 को, 32 को, अभी 34,
32 कंट्रीज बैन सरकार ने कर दी है फ्लाइट से रिलेटेड। जी हाँ सर, यानी वो तो बढ़ा रही है, कम नहीं कर रही है कि भाई चलो अब पहले 32 थी, अब हमने 7-8 कंट्रियों से बैन हटा दिया, हमने कम कर दिया, वो तो बढ़ा ही रही है। अब पता नहीं 8,000 कोरोना को लेके वो क्या करना चाहती है। बाकी सीधा सीधा उन्होंने फंडा भी बना दिया, वहाँ की जो सिस्टम है मंत्रालय या फिर और भी वहाँ की जो सिस्टम है, उन्होंने उनको सजा भी दिया सरकार को कि भाई जो क्वारंटाइन है संग्रोह तक जिसको बोल सकते हैं, क्वारंटाइन 14 दिन से घटा के 3 दिन से 7 दिन के बीच कर दी ताकि आने वाले लोगों को परेशानी नहीं हो। लेकिन देखते हैं सरकार नए, अब उम्मीद हर महीने लगाते हैं भाई, अब देखते हैं अक्टूबर में सरकार क्या घोषणा करती है। फर्स्ट डेट तक अगर कर दे तो अच्छी न्यूज है, बस ये जानकारी देनी थी। चैनल रेगुलर आप वॉच करते रहिए, जैसे कोई अच्छी अपडेट कुवैत से रिलेटेड आती है तो मैं आपको कोशिश करूंगा सबसे पहले आप तक सही जानकारी पहुंचाने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।